अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोबारा फिर रियाजी ग्रुप साइंस क्लास 9 यूनिट 1 कालब और कालबों का मकता एक्सरसाइज हम 1.3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट इसके हमने पिछली मरतबा जो सॉल्व किए थे वो थे 1 to 5, और इस मरतबा हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे पार्ट 6 to 10। सो टोटल 10 पार्ट हैं, वो मैंने सारे सॉल्व करवाए हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं पार्ट 6 के ऊपर, उसमें उसने क्या बात जी। पार्ट 6 में देखें उसने कहा हुआ है कि आपके पास 2a + b = a + a + b। वो कहता है सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, 2a + b फाइंड करेंगे, 2a + b। इस तरह का हमने चौथा या तीसरा पार्ट इसकी इसी एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन का पीछे हमने पार्ट भी किया हुआ है, उसमें उसने यही बात की हुई थी। इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कौन सी बात हमसे पूछा है। इसमें देखें, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली जो चीज़ उसने सॉल्व करवाई हमारे पास वो देखें 2a + b। 2a + b को देखेंगे 2 into a, 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। ये वाला इसी तरह से 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। इसको जब हमारे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी, ये देखें। हमारे पास नई जो चीज़ बन रही है वो कुछ इस तरह से है, 2 × 1, ये देखें 2 × 2 2 × 2 2 × 3 2 × 3 2 × 1 2 × 1, और इस तरह से ये 1 - 1 2 2, इस तरह से ये वाला। तो इन दोनों को जब हम नीचे देखें, हमने इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन करवाई उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया उनको हमने कुछ इस तरह से शो करवा लेना है। अभी देखें हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 4 6 4 6 2 2 - 2 0। इसी तरह से इन दोनों को देख लें, इसको जब हमने ऐड अप करवाया तो हमारे पास ये चीज़ बनी 2a + b, हमारे पास ये एक नया कॉलम बन गया। इसके एडिशन करवाएंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 - 2 4 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा। ये इला इसका सोल्यूशन होगा। इसके बाद हम आगे चेक करते हैं जी, इसमें हमारा जो है ना उसने लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन देख के हमारे पास सॉल्व हो गया, ये वाला बन गया हमारे पास। अब हम इसके राइट हैंड साइड लेते हैं, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि इसके दिया हुआ है a + a + b है जी। इन दोनों को a + b पहले, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर a + b दिया हुआ है, इसको सॉल्व करवाएंगे। ये हमारे पास a है, ये b है, दोनों को एडअप करवाएंगे तो हमारे पास ये कालब बन गया, ये देखें ये खड़ा हुआ है, ये हमारे पास कालब आ गया। इस कालब के एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला कालब इसका a + b आ जाएगा। अब हम a + b से आगे जो फाइंड करवाएंगे उसमें थर्ड ए जो हमारे पास ये दिया हुआ था, तीसरा ए जो इसने दिया हुआ है, ये दूसरा है सॉरी, तो ये वाला ए जो हम इसमें ऐड करवा देंगे। अब ये पहले ये दोनों फाइंड हो गए, अब हम इसमें a + a + b का जो कालब है उसमें हम ए ऐड करवाएंगे। तो इसको देख लेते हैं, a + b जब हम इसमें ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखें a + a + b, ये a + b का कालब है और ये हमारे पास a का कालब है। दोनों को हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास जो दिया हुआ है देखें ये चीज़ है, इस तरह से हमारे पास ये एडिशन होगी इसकी, ये सारी एडिशन करवाएंगे उसी तरह से, फिर इसका जो आंसर आएगा वो भी ये देख लें। तो हम यहाँ पर इसका मुवाजना कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई थी वो भी सेम एज इट इज़ है, ये देख लें, ये खड़ी ये हमारी इक्वेशन 1 है, 3 3 7, यहाँ पर भी देखें ये हमारे पास दिया हुआ है 3 3 7, और 6 4 4 5 - 1 3 6 4 4 5 - 1 3, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा पार्ट 6 था जी, इसमें उसने बताया हुआ है कि मसावात 1 और 2 की रूह से साबित हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट 7 की। पार्ट इसके 7 देख लें, c - b - a, इस चीज़ की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह से आपने क्या करना है, पहले c - b ले लेना है और इसमें से -a करवा लेना। ये देखें मैंने लिया हुआ है c - b पहले किया है, ये c - b मेरा चल रहा है जी। अब यहाँ तक आ गया हमारा c - b जी, ये दोनों को जब हमने माइनस करवा लिया, अब हम इसी का c - b का क्या करेंगे जी, इसमें से -b का a करवा लेंगे, -a करवाएंगे, और ये -a मैंने करवा लिया, -a का अलग। जब इसमें से -a करवाया तो हमारे पास जो नई चीज़ बन गई वो कुछ इस तरह से बनी, ये 2 - 1 1 - 2 - 1 - 3, इसका जो कालब बन गया जिसके अंदर हमने सोल्यूशन करवाया वो ये खड़ा हुआ, ये देख लें हमारे पास ये कालब आ गया। इसमें हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसकी होगी। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करें तो राइट हैंड साइड में देखें c - a - b है, राइट हैंड साइड में ये दोनों चीज़ें आ गई। इन दोनों को पहले हम c - a करवाएंगे, सी में से ए को जब नेगेटिव करवाएंगे हमारे पास ये कालब बनेगा, ये हमारे पास दिया हुआ ये कालब, इसको आप चेक कर सकते हैं c - a कालब जिसमें से हमने माइनस करवा दिया। अब हम इसमें से
माइनस करवाएंगे जी लास्ट पे जाके जी बी कॉलम, सी माइनस ए में से हम बी को फिर नेगेटिव करवा देंगे। तो उसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने माइनस करवा लिया, ये देखें हमारे पास ये भी माइनस करवा लिया, ये हमारे पास माइनस का कॉलम खड़ा हुआ। इसी तरह से हमने इसको जब माइनस करवा लिया तो देखें ये इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए। नीचे हम लिख देंगे कि मसावत एक और दो के जो साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट एट के ऊपर, वो भी बिल्कुल सेम एज इज है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप लोगों ने सिर्फ देख लेना है। बताया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इन प्लस सी डी, ये इन दोनों का मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैंने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये खड़ी हुई है, देखें मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ तक किया है, इसको हम देखें तो यहाँ तक ये देख लें अच्छी तरह से, आप इसको देख सकते हैं। दोबारा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरह से दी गई, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट मैंने सॉल्व करवा दी है, इसको आप लोगों ने देख लेना है अच्छी तरह से। तो आगे हम इसके राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में उसने क्या बात, ये हमारे पास उसने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो शो करवा दिए, इसको देख लें आप लोग अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन मान हमारे यहाँ तक हो गए। अब इसका जो है ना राइट हैंड साइड उसने फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, देखें अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह आपने चेक कर लेना है, सिर्फ एडिशन का काम है, इसलिए मैं इसको जो ना जनरल सा बता रहा हूँ, अगले जो क्वेश्चन हमारे समझने वाले हैं उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए ये देख लें अच्छी तरह से, इसको चेक कर लें आप, सोल्यूशन सारे क्वेश्चन का इसमें मौजूद है आपका। इसका देखें ये पार्ट टू, ये दोनों इक्वल हो, ये हमारा एट था। अब हम इसके नौवें पार्ट की तरफ देखते हैं, उसमें उसने क्या बात की हुई है। नौवें लेक्चर में नौवा जो इसका जो जुज है उसमें देखें उसने ये कुछ दिया हुआ है, ए इंटू माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी प्लस बी। अब ये भी इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह से माइनस का काम फिर प्लस ए करवा देंगे, बिल्कुल सादा एडिशन का काम है जी, इसमें कोई भी मसला नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं आपकी, आप बिल्कुल अच्छी तरह किसी किस्म का कोई चार्ट आपको नहीं होनी चाहिए कि आप लोग सॉल्व करें, बस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक मैंने ये सॉल्व करके आपके पास शो करवा दी है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी जो है ना ये वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से इसको हम मुकम्मल डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सा काम है, इस वजह से मैं छोड़ता जा रहा हूँ ताकि आप जनरल सा जो काम है ये खुद आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मैंने कम्प्लीट फिर दोबारा आपको ये जूस इसका देख लें, इसको मैं दोबारा फिर रिपीट करवा रहा हूँ कि आपके पास इसका सोल्यूशन मौजूद है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे और इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है जी, अगले लेक्चर में फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ भी सकते होते हैं, ये बिल्कुल सादा से हैं, आ तो सकते हैं लेकिन इतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लेना है सिर्फ लें। ये हमारे नौवें की जो है ना वो आपकी जो चीज़ रह गई थी वो मुकम्मल हो गया, यहाँ पर हमारा नौवां जूस भी कम्प्लीट हो गया। इसके बाद 10वें जूस की तरफ हम लोग देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा देखें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कितना है अब कि इसमें उसने मल्टीप्लाई करवाया हुआ 2a + 2b = 2 into a + b, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन इसमें बता दे दिया 2a + 2b = 2 into a + b, इन दोनों को पहले करवा लेंगे 2a + 2b, इसको आपने फौरन ही अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 2 के साथ, दोनों कॉलमों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये कॉलम देख लें, हमारे पास ये दो कॉलम बन गए, इनके अब एडिशन करवा लें, जब हम एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से कॉलम बन जाए, इन कॉलमों को जब हम जमा करवा लें यहाँ से देखें फिर दोबारा सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, बिल्कुल सादा सी मल्टीप्लिकेशन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हर एक अदद के साथ इसको बाहर वाले को आपने मल्टीप्लाई करवाना, अंदर जितने अदाद होंगे सारों के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पर देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, इसका पोर्शन जो दिया हुआ बाकी का जी, इसमें देख लें अब उसने इसका सोल्यूशन फर्स्ट साइड करवा दी, फिर इसी तरह से टू, पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे, ए प्लस बी को देख लें हमारे पास ये दोनों को मैंने ए प्लस करवा दिया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन गया ए प्लस बी, बस सादा इसके साथ करना क्या है बी के साथ ए प्लस बी के साथ अंदर हमने टू से मल्टीप्लाई करवाना, जब हम टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये चीज़ आप देख रहे हैं मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम आंसर हैं, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये देख लें अच्छी तरह से, इसको गौर से देखें आप, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है 4, 2, 8, 8, 2, 6, 8, 0, 6, इसी की लेफ्ट हैंड साइड भी देखें वो भी इसी तरह से 4, 2, 8, 8, 2, 6, 8, 0, 6, यहाँ तक हमारे जो है ना इस क्वेश्चन के टोटल जो पार्ट थे वो 10 थे, और ये लास्ट पार्ट था जिसको मैंने मुकम्मल तौर पर आपके सामने सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन 10 पार्ट्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं रहा होगा, मैंने मुकम्मल डिटेल से इसको डिस्कस
इसलिए नहीं किया कि आपके पास मुकम्मल सॉल्यूशन मौजूद है। ये सॉल्यूशन आप लोग अच्छी तरह से देखें, किसी भी किस्म का मसला हो तो आप लोग बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।